नमस्कार, मैं संयोग हूं और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ किसान है, किसान का नाम मैं बार बार भूल जाता हूं, इनकी पहले भी वीडियो बना चुका हूं मैं। क्या नाम भैया? अखिलेश भाई हैं ये। इनका यहां पे सोलर पैनल लगा हुआ है, उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ था। फिलहाल में यहाँ पर अखिलेश भाई फेंकवा रहे हैं अपने 15 दिन के गेहूँ में यूरिया। जब ये गेहूँ है श्री राम का 303, ये देखिए आप 15 दिन का गेहूं है ये, और यहाँ पर यूरिया भाई साहब डाल रहे हैं अखिलेश भाई सिर्फ 1.5 बोरी एकड़ के हिसाब से। और वो यूरिया इसलिए डाल रहे हैं कि यहाँ पे हो चुकी है बरसात, हल्की हल्की सी नमी बैठ गई है मिट्टी में, इसलिए अखिलेश भाई ने सोचा कि अपन इसमें यूरिया डलवा देते हैं। भाई साहब बहुत से मेरे भाई लोग हैं, सब्सक्राइबर हैं, इनने मेरे से कमेंट करके पूछा था, क्या पूछते रहते हैं ग्रुप्स में फेसबुक पे, कि गेहूं में पानी पर्याप्त गिर गया है तो यूरिया दें कि नहीं। भाई साहब मेरे हिसाब से तो पानी ऊपर वाला अगर गिरा है तो आप उसमें एक बार और पानी रेल दें, क्योंकि देखो पानी गिरा है तो मिट्टी में नमी तो है ही, तो पानी आपका कम लगेगा, पर पानी उतना पर्याप्त नहीं गिरता है ऊपर वाला, या उसमें उतना मज़ा नहीं आता है जितना कि हम पानी रेलते हैं उसमें आता है। आपके खेत से अगर पानी गिरा है तो पानी बह के बाहर तो गया नहीं होगा। तो भाई साहब ऐसी कंडीशन जब बनती है कि ऊपर से पानी गिरा है और खेत में से बह के नहीं गया है, खेत में नमी पर्याप्त है, उस कंडीशन में भाई साहब सूझबूझ से काम ले। यूरिया तो आप नमी है तो थोड़ा घना डाल दें जैसे अखिलेश भाई ने डाला है, पर खेत में से पानी बह गया है तो पूरा डोज आप, अगर आपका गेहूँ 21-22 दिन का 25 दिन का हो गया है तो पूरा डोज 2.5 बोरी या 3 बोरी एकड़ जो भी आप डालते हैं उस हिसाब से डाल दें। यहाँ पे मैं एक बात की और चर्चा करूँगा कि गेहूँ में 22 से 25-28 दिन तक एक्स्ट्रा जड़ें बनती है, जो हमारी जड़ें रहती है उससे ऊपर भी जड़ें बनती है। यहाँ मैं एक आध गेहूँ लेता हूँ, कोई सा भी पौधा, ये वाला ले लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा पौधा है ये वाला, इसको मैं उचकाऊँगा इन पौधों को। 15 दिन का गेहूँ है ये, तो ये मिट्टी गीली हो गई ना तो उचक नहीं रहा। देखो यहाँ पे आप देखेंगे ये इसमें जड़ दिख ही नहीं है, और जब पौधा 22-25 दिन का हो जाएगा ना तो ये जो गुट्टा दिख रहा है ना, ये वाला, ये यहाँ पे शायद ये उंगली रखी यहाँ पर और यहाँ पर, भाई साहब यहाँ से एक्स्ट्रा जड़ें निकलती है बाद में, और वो जो एक्स्ट्रा जड़ें निकलती है ना वो जड़ों के साथ गेहूँ में कल्ले भी निकलते हैं। अभी जैसे ये 3 पत्ती है तो ये 5 से 8 पत्ती का जब गेहूं हो जाएगा, जब ये जड़ एक्स्ट्रा वाली यहाँ से ऊपर से निकलना चालू होगी इस जगह से, और फिर गेहूं कल्ले मारेगा, तो अगर अभी हम यूरिया दे भी देते हैं तो वो यूरिया भाई साहब पूरा का पूरा मिट्टी में ही जाएगा, या फिर पत्ते भी कम हैं तो इतना अच्छे तरीके से यूरिया हमारे पौधे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहना है कि अभी अगर आप यूरिया डालते भी हैं तो थोड़ा कम ही डालें। अब जैसे अखिलेश भाई कह रहे थे कि मैं आज से 6-7 दिन बाद अगर ये पानी नहीं गिरा तो फिर से पानी लगाऊंगा और फिर से 2 बोरी एकड़ के हिसाब से यूरिया डालूंगा। ये जो गेहूं की बुआई करी थी इसमें आपने बुआई के समय पे क्या डाला था? बुआई के समय पंडित जी अपन ने जो DAP डालते हैं DAP डाला था, उसके बाद मतलब 1 क्विंटल पर 1.5 बोरी के आसपास, 1.5 बोरी जी के आसपास, और उसके बाद अपन ने डाला था इसमें जो ग्रो प्लस आती है अपनी राखड़ जो दानेदार, वो मिलाई थी, उसके बाद मिलाई थी? वो मिलाई थी 1 बोरी DAP के साथ। हाँ, DAP के साथ में मिला दी थी, मतलब किसी में आधी बोरी, पौने बोरी, 1 बोरी के हिसाब से मिला दी। उसके बाद अपन ने जब बीज उपचार के लिए जो फंगीसाइड आता है, कौन सा उसका नाम तो मेरे को नहीं पता, बाकी उसमें शायद ग्लूकोनाजोल ऐसा कुछ कंपाउंड आता है। भाई साहब भैया ने यूरिया लिया, DAP ली, ग्रो प्लस लिया, राखड़ लिया और फंगीसाइड, इतनी चीज लेके गेहूं की बुआई करी है। राखड़ कितनी ली थी? राखड़ मतलब थोड़ा अंदाजा रहता है अपना, एक क्विंटल के हिसाब से, जैसे 1 क्विंटल के हिसाब से अपन 20-30 किलो के आसपास डाल दी। अच्छा, 30 किलो राखड़ जी, 20 किलो यूरिया। हाँ, 10 किलो के आसपास, 10 किलो यूरिया है ना, 1.5 कट्टी, हाँ 1.5-1.5 कट्टी के आसपास DAP और 1 कट्टी ग्रो प्लस, 1 क्विंटल गेहूं में जी, 1 क्विंटल 20 किलो के आसपास अपन बोते हैं इसमें। भाई साहब इनका डोज बहुत हेवी है, और ये जो खेत है ये बिल्कुल रोड के बगल में है, इस खेत का अपन आते जाते
इसका जायजा लेते रहेंगे और इसका कटाई वाले समय पे एवरेज भी देखेंगे कि इसका एवरेज क्या निकलता है, जो इनने इतना हैवी बेसल डोज लिया है गेहूं में तो इसका रिस्पांस क्या आता है। भैया अभी यूरिया के साथ कुछ डालोगे? नहीं अभी कुछ नहीं, अभी फिर बाद में जब डालेंगे तब अपन थोड़ा उसके साथ डीएपी मिला के डालते हैं बस, अब ज्यादा कुछ नहीं देते हैं इनको है ना। अभी बाकी आप देख सकते हो बोनी ओनी का भी असर देख सकते हो आप, एक गाई होगा पूरा एक से होगा। हाँ तो भैया एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि यूरिया अगर हम खेत में डाल रहे हैं उसके साथ अगर हमने जिंक ले लेंगे पहली बार में यूरिया डालते समय जिंक ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आएगा। उसके साथ ही एक फफूंद आती है, फफूंद का नाम भाई साहब माइकोराजा, मैंने थोड़ा वीडियो बंद करके उसका नाम सोचा माइकोराजा। टाटा का राले गोल्ड हम इस्तेमाल करते हैं उन खेतों में जिन खेतों की मिट्टी टली हुई हो, टरी हुई हो, या जिन खेतों में पोषक तत्व कम है उसको, तो उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। उसके अंदर हमको माइकोराजा के साथ मिल जाता है अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड। तो माइकोराजा रहता ना ये क्या करता है, पौधे की जड़ में लग जाता है और पौधे की जड़ के साथ ही जहाँ पे भी ये गिरता है वहाँ लग जाता है। इसका काम रहता है जड़ से भोजन प्राप्त करना, पर ये जड़ को नहीं खाता, पौधे को नहीं खाता, बाकी ये आजू बाजू में पड़ा हुआ जो भी फास्फोरस है हमारे डीएपी वगैरह जो भी हैं उन चीज़ों को खींच के लाकर जड़ को उपलब्ध कराता है, जिससे जड़ को आखिरी तक बेहतरीन तरीके से भोजन प्राप्त होता रहता है। तो ये इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, आप जिंक भी डालेंगे यूरिया के साथ मिलाकर तो उसका भी रिस्पांस बहुत अच्छा रहेगा। तो ये वीडियो छोटी छोटी टुकड़े करके बहुत लंबी हो गई है और मैं उम्मीद करूँगा कि ये आज की जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हमें पानी ऊपर से गिरा है तो कितना देना है, कैसे देना है, कब देना है और खेत में क्या क्या डालना है हमें यूरिया के साथ मिलाकर। और वहीं भाई के खेत पे हम नज़र बनाए रखेंगे क्योंकि इनका बेसल डोज बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। तो मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आज्ञा चाहूँगा, जय राम जी की।